बाद में पसाफ करियो। ये बता अब इस ब्लॉग में बता देंगे। चलो बच्चे लेके चलते हैं अंदर, और जोन सा पापा को भी ले जाते हैं, जोन सा पापा और आप लोग कहोगे वो हम ले लेंगे। कौन सा ले लेना आपा ने किटन, ये बताओ। ये देखना, इसको देखना खेल रही है। ये लेना, ये लो भाई, शुरू हो चुकी है कंफ्यूजन। कौन सा लेना मानू? वो पानी पी रहा है, वो देगी बैठे कैसे बैठे हुआ। अरे ये देखो तो आप, इसका नाम क्या रखेगी मानो अगर तुमने ये लिया तो? स्नो। और उसका नहीं, स्नो नहीं रखेंगे हम, फोर एवेंजर्स में से ना, तो एवेंजर्स में ही। हाँ, सुपर हीरोज का नाम रखेंगे इनका। देखो ये इनकी मदर है, ये इन दोनों की मदर है, इनकी मदर जो व्हाइट वाली कैट। हाँ, जो व्हाइट वाली कैट अभी दिखाते हैं आपको, वो छुप के बैठ जाती है, उसको उसके सोने का टाइम अभी। ये स्पैरो, ये व्हाइट वाली की मदर है स्पैरो। कितनी सुंदर है, कितने प्यारा। हेलो। और ये मानो, देखो पापा कह रही है कि पापा ये ले लो। कौन सा लेना पापा? मेरे को तो ये व्हाइट वो रहा। ठीक है, और मानू को ये पसंद है। अच्छा, अब हम करेंगे फैसला इसका टॉस से। ठीक है, जो टॉस में जीतेगा वो आ जाएगा, वो याद है। ठीक है मानू, मैच हो चुका, हमने मैच तो क्या, बस टॉस करेंगे और फिर देखते हैं। ऐसे कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। मैम आपने, आपसे बहुत सारे लोग लेके गए होंगे, ऐसे किसी को देखा आपने ऐसे टॉस करते हुए? क्या लेना मानू? हेड्स। इसको दिखा दो, होता क्या पहले हेड्स? नहीं नहीं नहीं, इसको दिखा दो पापा जी, ये हेड्स होता है। ठीक है, नहीं नहीं फिर भी दिखा दो। ठीक है, नीचे गिराओगे या यहीं से? नीचे नीचे, ये नीचे तो ये पकड़ेंगे सबके सामने। करो, ठीक है, वाइट आ गई भाई, वाइट आ गई, वाइट आ गई। पापा जीत चुके हैं, पापा जीत गए, पापा जीत चुके हैं। ठीक है भाई, मानू अब मेरी भी राय सुन ले, मेरे को भी व्हाइट लेनी थी, मम्मी को भी व्हाइट लेनी थी। दूसरा थोर के साथ व्हाइट अच्छा कलर लगेगा, और व्हाइट थोड़ी बड़ी भी है, मैम ने भी हमें ये रेकमेंड करा है, इसकी एज भी बड़ी है थोड़ा सा। आप बताओ मैम, व्हाइट वाला जो बच्चा है थोड़ा हेल्थ अच्छी गेन कर चुका है, 75 डेज का है। ठीक है, कैट्स हम कितने छोटे बच्चे देते नहीं है जल्दी जल्दी। ओके, तो जो इसके हेल्थ जब तक इनकी मेंटेन नहीं होती है, तो इसलिए इसमें मैंने भी आपको व्हाइट वाला ही रेकमेंड किया था कि ये आपके पास ज्यादा अच्छा रहेगा, और थॉर के साथ भी अच्छा लगेगा। हाँ, थॉर के साथ अच्छा लगेगा। म्याओ कंपनी है। म्याओ। एक चीज है जो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगी, रजत सर को मैंने पहले से ही काफी टाइम से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो कल मैंने इंस्टा पे सर की रिक्वेस्ट देखी, मैसेज आया, तो आई वाज डाउटेड कि ये रजत सर वही वाले हैं, तो मेरी जब बात हुई तो क्लियर हुआ कि सर वही है जिनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो सर ने वैसे किटन की डिमांड की, तो उन्होंने बोला कि हम कल देखने आएंगे। तो मतलब मैं कहीं ना कहीं, हमारा ये कंसर्न होता है कि जब हम अपना बच्चा किसी को दें तो वो बहुत लविंग फैमिली हो। मतलब ठीक है, ब्रीडिंग या वो चीज़ अलग होती है, लेकिन ये बच्चे जहाँ जाते हैं हमें उस फैमिली के कंसर्न हमारा ज़्यादा रहता है। बताया मैंने, कहा ये बच्चा बहुत अच्छी फैमिली में जाने वाला है, और सबसे बड़ी बात है इसको हम रेगुलरली देखते रहेंगे, और फेमस बच्चा होने वाला तो और जैसा। मैं बहुत खुश हूँ आपने इसको अडॉप्ट किया है। हम भी बहुत खुश हैं, हमें इतना अच्छा बच्चा मिला है। मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था व्लॉग में कि भाई मैं जब खुद कहता हूँ कि पेट शॉप से नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, और मैं खुद पेट शॉप पे जाके खड़ा हो गया था, पर मेरा मन नहीं मान रहा था भाई, तो इसलिए मैंने सच स्टार्ट कर रखी थी, और मेरी मैम से बात हुई, और मैंने एक दिन भी नहीं लगाया, नेक्स्ट डे मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। इसकी जो फर्स्ट वैक्सीन कैट्स में किटन्स में होती है, 3 मंथ्स की एज जब हो जाती है तो होती है सीआरपी, इनको वैक्सीनेशन में हम लगा सकते हैं। 2 वैक्सीनेशन इसकी सीआरपी की डन होगी आपकी, और 2 इसको रेबीज लगेगा। जैसे आज इसको फर्स्ट वैक्सीनेशन हम करवा रहे हैं, फर्स्ट का जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन जो बूस्टर डोज होगी आफ्टर 1 मंथ होगी, उसके बाद इसको रेबीज लगेगा। सर वैक्सीन लगवा रहे हैं पापा जी? हाँ, ठीक है, डन है सब चीज़। खुश है मानू? खुश है फुल। और ये इसका सामान भी ले लिया। ये प्रैक्टिकल बात है, एक और लाते हैं, ये फिर एक और आने के बाद एक और ऐड करते हैं, ऐसे करके बहुत सारी गैस हो जाती है।
मानु मैं पापा घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है पापा? मजे आए? मजे आए बहुत। और ये हमारा ये रहा बच्चा, ये हमारी प्रिंसेस है छोटी, ये हमारी छोटी सी प्रिंसेस है। ये देखो हमारा छोटा सा किटन ऐसे सो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ और ये सो रहा है ऐसे। भाई सॉरी लेट हो गए हैं, सॉरी तो क्या यार अंधेरा हो गया, पर कोई नहीं। तो क्या यार? मानु डोन यहाँ पे है। हाँ मानु क्या कह रही है? ये मेरी छोटी सी बेबी है, छोटी बेबी है मम्मी, और बस ये आज स्वागत होगा इसका। मौसी ने क्या नाम रखा है इसका? मौसी ने किट्टू। किट्टू 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 आजा भाई किट्टू। मम्मी ज्यादा ना लगाइए बिल्कुल भी, बस ला 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 भाई किट्टू दिखाइए। अच्छे भाई आ अच्छे भाई किट्टू आ गई, छोटी बेबी आ गई। ना मम्मी ना दियो, बस बस मुंह पे लगा दो, मीठा नहीं देना बिल्कुल भी। दिखाओ भाई मिल ले मिल ले मिल मिल ले नहीं नहीं मिलने दे इसको मिलने दे इसको ना मिल ले बेटा मिल ले। वो तो रहती है ना इनके साथ। अच्छा भाई बेटा हां बस भाई कहां ना कहां दबा रही हूं ये ऐसे लग रहा है। बस बस बेटा बस 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 थोड़ी ठीक है। कैसा है थोड़ी तेरी बहन कैसी है? होगा छोटी बहन है बेटू तेरी। कैसी लगी मम्मी? खुद की आंखों पे हाथ रख के सोगी। स्नो हमारे घर पे आ गई है। चलो अब भाई नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपको, अब ये थोड़ा रिलैक्स कर रही है मानो। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, बहुत थक गए हैं। थोर को और इसको मिलाएंगे, वो नेक्स्ट व्लॉग में देखना ठीक है। कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना। और स्नो कह रहा हूँ इसका भी नाम नहीं रखा, नाम कमेंट सेक्शन में बताना भाई। स्नो मेरे को तो स्नो अच्छा लगा ना। देखते हैं आप लोग मेरे अच्छे अच्छे सजेशन दो, जो उनसे अच्छा होगा वो रखेंगे और बताना तो कैसी लगी। प्यारी है ना। चलो ओके बाय बाय मनु। बाय 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 मनु। बाय बाय।